देश में होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास और प्रेम के साथ मनाया जाता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपरा से होली मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में लड्डू मार होली का आयोजन होता है। यहाँ पर महिलाएं लड्डू मार होली के लिए तरसती है। बुधवारा के श्री गोकुल चंद्रमा मंदिर में पिछले 35 वर्षों से लड्डू मार होली हो रही है। यहाँ पर पुरुष महिलाओं पर लड्डू बरसाते हैं। लोकल 18 की टीम को मंदिर समिति के प्रमुख हरिकृष्ण मुखिया जी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 35 वर्षों से बुधवारा के श्री गोकुल चंद्रमा मंदिर में लड्डू मार होली का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर पुरुष महिलाओं पर लड्डू बरसाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कंकर यानी मिश्री मारकर होली का पर्व मनाते थे। उसी तर्ज पर बुरहानपुर में राजगुरे के लड्डू पुरुष महिलाओं पर बरसाते हैं और महिलाएं लड्डू लगने पर इसे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर ग्रहण करती है। इस होली खेलने के लिए बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सभी शामिल होते हैं। इस बार 24 मार्च को शाम 6 बजे से 8 बजे तक लड्डू मार होली का उत्सव मनाया जाएगा। लड्डू मार होली भी होती है हाँ, लड्डू मार फूल फाग रंग भी जो होता है ना वो ऊपर नहीं उड़ाया जाता, वो ऊपर आकाश की तरफ उड़ाते हैं और वो जो रंग बिखरता है और बिखरने के बाद आता है तो लाल पीला हरा समझ में नहीं आएगा कि कौन सा रंग कब उड़ रहा है। तो वो सारे रंगों का त्यौहार पुष्टि मार्ग में होली के द्वारा मनाते हैं। तो आप सब लोग दर्शन के लिए अवश्य बधारे और होली का आनंद। लड्डू मार होली में क्या होता है? लड्डू मार भी जैसे वो लड्डू मार भी अपन किसी को मारो, हमारे माँ ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी जब होली खेल रहे थे तो किसी को कंकर मारते थे, वो कंकर सड़क पर से उठा के थोड़ी मारते थे, उनकी मैया उनको खाने के लिए मिश्री देती थी और मिश्री काजू उनके खीसे में रहते थे और वो झोली में रहते थे और वो मारते थे, देखते थे इधर और मारते थे उधर। तो लड्डू मार जब एक उधर देख के उधर फेंका जाता है तो लोगों को एक आश्चर्य लगता है कि मेरी तरफ आएगा कि उधर जाएगा उधर जाएगा। इस तरह लड्डू मार होली का आनंद है। क्या नाम आपका? हरिकृष्ण मुखिया जी।